कुलकर्णी, सिंस फ्रॉम लास्ट सिक्स इयर्स आई टीचिंग फिजिक्स। ओके, तो ये जो वीडियो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने जस्ट 10th का एग्जाम दिया है और 11th क्लास में वो जाने वाले। ओके, उनके लिए जस्ट एक इंफॉर्मेटिव इंट्रोडक्टरी ये वीडियो रहेगा जो फिजिक्स का इंट्रोडक्शन से डील करता है। ओके, तो देखो अब जैसे आपको पता होगा 10th एग्जाम देने के बाद आप बहुत सारे अलग अलग करियर सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें से साइंस अगर आप सेलेक्ट करोगे तो ज्यादा करियर की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकते हैं। तो इस वजह से हम जस्ट एक साइंस का ओवरव्यू करते हैं। तो मोस्टली जो 10th एग्जाम देते हैं बच्चे वो ज्यादातर साइंस से डील करते बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये साइंस पार्ट अगर हम देखते हैं तो ये 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 10th स्टैंडर्ड तक आपको एक ही बुक था साइंस का, लेकिन अब 11th में आने के बाद हमें साइंस के 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। उसका पहला पार्ट आता है फिजिक्स, दूसरा पार्ट आएगा केमिस्ट्री और लास्ट पार्ट आने वाला है बायोलॉजी। ओके, तो फिजिक्स की ओर जाते हैं हम, उसके पहले हम साइंस का एक जस्ट डेफिनेशन देखते हैं। इतने सालों से हम साइंस स्टडी करते आ रहे हैं लेकिन बहुत सारे बच्चों को अगर मैं पूछूं कि साइंस का डेफिनेशन क्या है तो वो नहीं बता पाते। साइंस इज द स्टडी विच हैविंग सम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स। साइंस एक ऐसा स्टडी होता है जिसे कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स होते हैं, और ये साइंस को हम 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचर फिनोमेना, व्हाइल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ओके, उसके बाद बायोलॉजी को हम फर्दर 2 क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स। ओके, तो बायोलॉजी हम कह सकते कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, तो इसमें से पूरा साइंस होता है जो 10th स्टैंडर्ड तक हमें एक ही बुक में था, अब इस एक बुक के 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है जब आप 11th-12th में साइंस के साथ डील करते हो। वो रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बाकी सब्जेक्ट को आप छोड़ दो, हमें सिर्फ अब फिजिक्स के बारे में देखना है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स है। ओके, तो याद रखना जो आप जब आप 11th-12th में साइंस लेते हो तो आपके पास 2 एग्जाम देने के ऑप्शन रहते हैं। एक होता है नीट जो मेडिकल के लिए रहेगा और दूसरा रहने वाला है JEE। ओके, तो ये दोनों ये मेडिकल सेक्शन से बिलोंग करने वाला एग्जाम है और ये इंजीनियरिंग सेक्शन से बिलोंग करने वाला एग्जाम है। ओके, तो इनमें अगर आप देखते हो तो आपको नीट अगर करना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेना पड़ता है, उसके ऊपर ये एग्जाम डिपेंड होता है। वही अगर हम देखते हैं तो JEE फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पर बिलोंग करता है। तो दोनों में भी अगर कॉमन पार्ट देते हो तो कॉमन पार्ट है फिजिक्स। ओके, कोई भी एग्जाम तो आपको फिजिक्स तो रहने वाला है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिजिक्स याद रखिएगा ये दोनों भी एग्जाम में स्कोर डिसाइड करने वाला सब्जेक्ट होता है। मतलब जिन जो स्टूडेंट नीट लेते हैं उनका केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो अच्छा होता ही है, और जो JEE लेते हैं उनका मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री तो अच्छा होता ही है, लेकिन दोनों में जो डिसाइडर सब्जेक्ट कह सकते हैं वो फिजिक्स होता है। फिजिक्स ये सब्जेक्ट डिसाइड करता है बच्चे का स्कोर कितना आएगा और वो कितने हायर रैंक स्कोर करेगा। तो फिजिक्स एक रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट है। ओके, तो इस वजह से इसे चैलेंज के तौर पर आपको एक्सेप्ट करना है। फिजिक्स देखो आप बहुत सारे बच्चों को अगर आप पूछते हो तो बहुत सारे बच्चे आपको बताएंगे कि फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन अदर सब्जेक्ट, लेकिन मेरा मानना यह है कि फिजिक्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ये उन्हीं स्टूडेंट में फिजिक्स डिफिकल्ट जाता है जो रेगुलर स्टडी नहीं करते। फिजिक्स अगर आपको अच्छे से डील करना है दोनों भी एग्जाम्स के लिए तो एक पार्ट मस्ट है, रेगुलर स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिक्स एक दिन करोगे दो दिन नहीं करोगे तो इसमें से कुछ भी इफेक्ट होने वाला है नहीं। अगर आपको अच्छे से फिजिक्स करना है तो एट दैट टाइम आपको फिजिक्स का स्टडी रेगुलर करना पड़ेगा। अगर इस फिजिक्स के बारे में अगर हम देखते हैं तो इस फिजिक्स में हम नंबर ऑफ सेक्शन के साथ डिवाइड करते हैं, डील करते हैं। नंबर ऑफ कुछ सेक्शन होते हैं जैसे आप लोग 10th में भी कुछ हुए हैं, जैसे लाइट, उसके बाद साउंड,
आफ्टर दिस इलेक्ट्रिसिटी ओके उसके बाद मैग्नेटिक सेक्शन ओके सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दोनों का कंबाइंड सेक्शन का नाम मैंने लिख दिया ओके उसके बाद नेक्स्ट रहेगा नेक्स्ट सेक्शन रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडर्न फिजिक्स सेक्शन से बिलोंग करता है तो बहुत सारे सेक्शन फिजिक्स में उसके पास सबसे बड़ा सेक्शन है फिजिक्स का जिसका नाम है मैकेनिक्स ओके तो ये जो सेक्शन है फिजिक्स के ये अलग अलग जोन के अगर आपने लाइट सेक्शन के साथ डील किया फिजिक्स में तो इसका कोई भी कंसेप्ट आपको साउंड में नहीं लगेगा अगर साउंड के साथ डील किया आपने तो इसका कोई भी कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर लाइट में नहीं लग पा रहा है मतलब फिजिक्स जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो हर सेक्शन स्टार्ट होने के बाद हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है बाकी के सब्जेक्ट में ये पार्ट मिसिंग होता है ये पार्ट प्रेजेंट होता है मतलब बाकी के सब्जेक्ट में देखो आप केमिस्ट्री में एक बार आईपैक नॉमिनेचर आ गया तो आप दूसरे आईपैक नॉमिनेचर बहुत अच्छे तरह से कर सकते हो सेम वे होता है सिर्फ नाम अलग हो जाते हैं सर्टन चेंजेस हो जाते हैं लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है फिजिक्स में अगर आपने साउंड किया तो आपको जरूरत नहीं कि लाइट अच्छे से आएगा समझ में आ रहा है तो इस वजह से हर सेक्शन स्टार्ट होने के बाद आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है यही फिजिक्स का एक कह सकते हैं हम की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है कि जब कभी भी कोई न्यू सेक्शन स्टार्ट होगा फिजिक्स का तो उसके लेक्चर में प्रेजेंट रहना और उसके लेक्चर का टास्क उसी वक्त कर देना ये अगर आप करोगे तो फिजिक्स में आप बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर लाओगे ओके मतलब नीट में अगर आप देखते हो तो फिजिक्स 180 मार्क्स में होता है और जेई में अगर आप देखते हो करंट जो अपडेटेड पैटर्न्स है उसके हिसाब से 25 क्वेश्चंस आते हैं और 25 क्वेश्चंस ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स सो टोटल 100 मार्क्स के लिए जेई में फिजिक्स रहेगा और टोटल 180 मार्क्स के लिए नीट में फिजिक्स रहने वाला है ओके तो 180 और ये 100 आउट ऑफ आप बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में अगर जो कुछ मैं रूल्स आपको बता रहा हूँ वो अगर आप हर दिन फॉलो करते हो तो ओके इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ आपको फिजिक्स अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है तो इसके बाद जो भी वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ उनको सभी को अच्छे तरीके से देखना इसके बाद मैं इस टॉपिक के कुछ बेसिक वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ मतलब जब बच्चा 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में आ जाता है तो उसे फिजिक्स स्टडी करने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है तभी हम उसको फिजिक्स पढ़ा सकते हैं तो ये जो सेक्शन फिजिक्स के नजर आ रहे हैं ये अगर हमें देखने हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक पार्ट स्टडी करना है तो ये फर्स्ट लेक्चर मेरा इंट्रोडक्शन पर था फिजिक्स का इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा रहने वाला है वो मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स पर लेने वाला हूँ रिलेटेड टू द फिजिक्स ओके तो इसके बाद में जो लेक्चर अपलोड करूंगा वो कुछ फिजिक्स के बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पर या फिर बेसिक क्वांटिटीज पर रहेगा उसके बाद फिर स्केलर वेक्टर और उसके बाद फिर और कुछ सेक्शंस पर मैं वीडियोस लेने वाला हूँ तो जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ वो सभी जरूर देखिएगा तभी आप 11th 12th का फिजिक्स स्टडी करने के लिए प्रिपेयर हो जाओगे अदरवाइज आप फिजिक्स स्टडी तो करोगे लेकिन उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इस कारण सभी वीडियो देखना मत भूलिएगा ये भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा थैंक यू एवरीवन